दोस्तों, आज हम खगोलीय आकाश के विशाल समुदाय में एक रहस्यमय वस्तु ब्लैक होल के बारे में बात करेंगे। ये कॉस्मिक बिहेमोथ्स बहुत बड़े तारे के मरने से बनते हैं और उनके कोर अपनी अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के तहत संकुचित हो जाते हैं, जिससे एक ऐसा क्षेत्र बनता है जहां गुरुत्वाकर्षण बहुत तेज हो जाता है कि कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता, ना ही प्रकाश। इस घटना को सामान्य रिलेटिविटी के सिद्धांत द्वारा पूर्वानुमानित किया जाता है। एक पर्याप्त संकुचित द्रव्यमान से निर्मित अंतरिक्ष स्थान को बाह्यतः गोलाकार कर देता है, जिससे एक काला गहरा बनता है। दोस्तों, ब्लैक होल के चारों ओर एक घटना क्षेत्र होता है जो एक गणितीय सीमा होता है। इस सीमा को नावापसी का बिंदु भी कहा जाता है। जो कुछ भी इस घटना क्षेत्र को पार करता है वह हमेशा के लिए ब्लैक होल की गुरुत्वाकर्षण शक्ति में फंस जाता है। ऑस्ट्रेलिया के प्रख्यात गणितज्ञ रॉय केर ने एक महान योगदान किया है, जिसे हम थ्योरी ऑफ ब्लैक होल्स के नाम से जानते हैं। 1963 में केर ने आइंस्टीन्स इक्वेशंस ऑफ जनरल रिलेटिविटी का एक समाधान पेश किया जो एक घुमावदार ब्लैक होल का वर्णन करता था। इसे अब केर ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। यह खोज ब्लैक होल्स और उनकी विशेषताओं के अध्ययन में सबसे महत्वपूर्ण उदाहरणों में से एक माना जाता है। केर ब्लैक होल जनरल रिलेटिविटी के आइंस्टीन फील्ड समीकरणों का एक लोकप्रिय समाधान है। इसे कर मैट्रिक द्वारा वर्णित किया जाता है, जो घूमते हुए ब्लैक होल के आसपास के स्थान समय का एक गणितीय विवरण प्रदान करता है। यह जनरल रिलेटिविटी में सबसे महत्वपूर्ण समाधानों में से एक माना जाता है। केर मैट्रिक के दो मौलिक पैरामीटर होते हैं, ब्लैक होल की मास और इसकी कोणीय गति यानी के एंगुलर मोमेंटम। जनरल रिलेटिविटी की मूल समीकरण आइंस्टीन फील्ड समीकरण है, जो इस प्रकार लिखा जा सकता है। इस समीकरण में हम वर्णन करते हैं स्पेसटाइम की कर्वेचर का रिक्की टेंसर आर म्यू और नू से और स्पेसटाइम की समग्र कर्वेचर का माप करते हैं स्केलर कर्वेचर आर से। मैट्रिक टेंसर जी म्यू और नू स्पेसटाइम की ज्यामिति को परिभाषित करता है और ब्रह्मांड का समग्र ऊर्जा घनत्व वर्णन करने वाली कॉस्मोलॉजिकल कंस्टेंट लैम्डा होती है। बड़ी जी ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है और सी प्रकाश की गति है। स्ट्रसनर जी टेंसर टी म्यू और नू स्पेसटाइम में पदार्थ और ऊर्जा का वितरण वर्णन करता है। यह समीकरण ब्लैक होल्स के अध्ययन में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उनके व्यवहार और गुणों को समझने के लिए एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क प्रदान करता है। अगर हम क्लासिकल फिजिक्स की बात करें तो ब्लैक होल्स को पूरी तरह से काले और विशेषता रहित समझा जाता था। इससे कोई जानकारी या विकिरण नहीं बाहर निकलता था। हालांकि क्वांटम मैकेनिक्स का उपयोग करते हुए हॉकिंग ने दिखाया कि ब्लैक होल्स वास्तव में विकिरण उत्पन्न करते हैं, जिसे अब हॉकिंग रेडिएशन के नाम से जाना जाता है। यह हॉकिंग रेडिएशन ब्लैक होल के मजबूत गुरुत्वाकर्षणीय क्षेत्र और घटना क्षेत्र के आसपास क्वांटम फील्ड्स की फ्लक्चुएशंस के बीच एक प्रभाव होता है। इस प्रभाव से ब्लैक होल समझ में आते हैं और इसका अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। हॉकिंग की खोज ने ब्लैक होल्स की समझ को क्रांतिकारी ढंग से बदला। उन्होंने बताया कि ब्लैक होल्स पूरी तरह से अलग नहीं होते और समय के साथ उनका मास और एनर्जी खो सकता है। इससे भौतिक जानकारी और भौतिक नियमों के संबंध में महत्वपूर्ण सवाल उठे।
हॉकिंग रेडिएशन एक सिद्धांतिक रूप से उपलब्ध होने वाले विकिरण की एक थ्योरी है जो कि ब्लैक होल्स द्वारा निकाले जाने की पूर्वानुमानित होती है। इसे 1974 में भौतिकविद स्टीवन हॉकिंग ने पहली बार प्रस्तावित किया था। सिद्धांत के अनुसार ब्लैक होल्स के घटना क्षेत्र के पास के निकट प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन के जोड़े निरंतर उत्पन्न होते हैं। सामान्यतः ये कण एक दूसरे को तुरंत समाप्त कर देते हैं, लेकिन यदि इनमें से कोई एक ब्लैक होल में गिर जाता है तो दूसरा कण हॉकिंग विकिरण के रूप में उत्पन्न होता है। स्टिल्लर ब्लैक होल्स में विकिरण बहुत ही धीमी होती है, लेकिन सुपरमासिव ब्लैक होल्स के लिए यह पता लगाया जा सकता है। ब्लैक होल फिजिक्स में कुछ महत्वपूर्ण संबंध शामिल हैं, जिनमें मास एनर्जी इक्विवेलेंस E=mc² नॉरोटेटिंग ब्लैक होल के स्पेसटाइम ज्योमेट्री के लिए श्वार्ट्ज़शाइल्ड सॉल्यूशन, रोटेटिंग ब्लैक होल्स के लिए केर सॉल्यूशन और पेनरोज प्रोसेस शामिल हैं। 1969 में ब्रिटिश फिजिसिस्ट रोजर पेनरोज द्वारा पेश की गई रोटेटिंग ब्लैक होल से ऊर्जा निकालने की एक थियोरेटिकल मैकेनिज्म है। यह पेनरोज प्रोसेस ब्लैक होल्स के पास एक कण को दो भागों में टूटते हुए दिखाती है, जिसमें एक कण ब्लैक होल में गिरता है और दूसरा कण असीमित दूरी तक निकल जाता है। ब्लैक होल्स की रोटेशन का फायदा उठाकर निकल जाने वाला कण ब्लैक होल से ऊर्जा प्राप्त कर सकता है और इससे ऊर्जा निकाली जा सकती है। पेनरोज प्रक्रिया ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत और ब्लैक होल्स की गुणवत्ता, विशेष रूप से उनके अर्बोस्फेयर्स के आधार पर होती है। ब्लैक होल्स के आसपास क्षेत्र जहां उनकी रोटेशन से अंतरिक्ष को खींच लिया जाता है। यह वाक्य दरअसल बताता है कि पेनरोज प्रोसेस खगोल विज्ञान और ब्लैक होल्स का अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण नतीजों को सुझाती है, लेकिन यह अभी तक एक सिद्धांत ही है जो अभी तक अभ्यास या तथ्यों पर आधारित नहीं है। हालांकि यह ब्लैक होल्स द्वारा उत्पन्न होने वाली विशाल मात्रा की ऊर्जा को समझाने में मदद करता है, विशेष रूप से जिनके पास तेजी से घूमती अक्रीशन डिस्क्स होते हैं और ब्लैक होल्स के व्यवहार और चुंबकीय परिवेश में ग्रेविटी की नेचर के बारे में अनुमान प्रदान करता है। ब्लैक होल की कॉन्सेप्ट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के द्वारा नहीं की गई थी, बल्कि 1916 में कार्ल श्वार्ट्ज़शाइल्ड द्वारा जनरल रिलेटिविटी के इक्वेशंस का एक विशिष्ट समाधान प्रस्तावित करने से की गई थी। श्वार्ट्ज़शाइल्ड के समाधान से यह सुझाया गया कि अंतरिक्ष में ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ गुरुत्वाकर्षण की खींच इतनी ताकतवर होती है कि कुछ भी नहीं, न कि प्रकाश भी नहीं, बाहर निकल सकता है। इन क्षेत्रों को ब्लैक होल कहा जाता है। ब्लैक होल के चारों ओर घिरे क्षेत्र को इवेंट हराइजन कहा जाता है, जिससे कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता है और इसका आकार श्वार्ट्ज़शाइल्ड रेडियस द्वारा निर्धारित होता है। थियोरेटिकल फिजिक्स में एक बड़ी उपलब्धि थी जो ब्लैक होल के और भी विस्तृत अध्ययन और उनके गुणों, मामलों और वस्तु और विकिरण से हुए संवादों का रास्ता खोलती है। आज तक ब्लैक होल समस्त ब्रह्मांड में सबसे रहस्यमय और रोमांचक वस्तुओं में से एक हैं और उनके अध्ययन से हमारी ब्रह्मांड की समझ की सीमाओं को बढ़ाने का काम जारी है। एम सिग्मा रिलेशन एक प्राकृतिक संबंध है जो एक गैलेक्सी के केंद्र में एक सुपरमासिव ब्लैक होल के मास और उस गैलेक्सी के उभार में वेलोसिटी डिस्पर्शन ऑफ स्टार्स के बीच एक संबंध जो एक गैलेक्सी के उभार में तारे या तारों के अनुक्रमण की वेग विस्तार को अवधारणात्मक बनाता है, प्रारंभिक 2000 के दशक में पहली बार खोजा गया। इस संबंध को फिर से कई गैलेक्सियों में देखा गया है
और इससे सुझाव दिया जाता है कि सुपरमासिव ब्लैक होल के विकास और गैलेक्सी के निर्माण और विकास के बीच एक मजबूत संबंध होता है। इस संबंध की खोज को प्राथमिक रूप से दो स्वतंत्र अनुसंधान समूहों को सम्मान दिया जाता है जो इस पर काम करते थे। पहला समूह मार्कोनी और हंट द्वारा नेतृत्व किया गया था, जबकि दूसरा समूह गेबहार्ट, बेंडर और उनके सहयोगियों द्वारा नेतृत्व किया गया था। एम सिग्मा रिलेशन एक महत्वपूर्ण अनुभवशास्त्रीय संबंध है जो एक सुपरमासिव ब्लैक होल के मास और एक गैलेक्सी के उभार में वेलोसिटी डिस्पर्शन ऑफ स्टार्स के बीच का है। इस संबंध की खोज का खुलासा हमारे गैलेक्सियों के विकास और सुपरमासिव ब्लैक होल्स के उन विकास में उनकी भूमिका को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एम सिग्मा रिलेशन का एक प्रोपोज्ड एक्सप्लेनेशन यह है कि ब्लैक होल और गैलेक्सी फीडबैक नाम की प्रक्रिया के माध्यम से साथ में बढ़ते हैं। जब ब्लैक होल पदार्थों को निगलता है तो इससे ऊर्जा के शक्तिशाली जेट उड़ते हैं जो गैलेक्सी में आसपास के गैस को गर्म कर सकते हैं और डिसरप्ट कर सकते हैं, जिससे गैलेक्सी के विकास को नियंत्रित किया जाता है ताकि नई तारे बनने से रोका जा सके। एम सिग्मा रिलेशन गैलेक्सियों के विकास और सुपरमासिव ब्लैक होल्स के उस विकास में उनकी भूमिका का अध्ययन करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों की परीक्षा करने और ब्लैक होल्स की गुणवत्ता का अध्ययन करने के लिए भी उपयोग किया गया है। यह संबंध सुपरमासिव ब्लैक होल्स और उनके मेजबान गैलेक्सियों के बीच जटिल एक दूसरे पर प्रभाव डालने के बारे में ज्ञान प्रदान करता है और आधुनिक खगोल विज्ञान में एक सक्रिय रिसर्च एरिया है। ब्लैक होल में गिरने वाला मैटर ब्रह्मांड से हमेशा के लिए खो जाता है। जब मैटर इवेंट होराइजन के पास आता है तो इसे ब्लैक होल की इमेंस ग्रेविटी के कारण खींचा और दबाया जाता है, जो अंततः इसे टुकड़ों में फट जाने और ब्लैक होल के केंद्र में असीमित घनत्व और तापमान के बिंदु यानी सिंगुलरिटी में पीस देता है। ब्लैक होल ब्रह्मांड पर अहम प्रभाव डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए, गैलेक्सियों के केंद्र में सुपरमासिव ब्लैक होल गैस और धूल से फीड करके गैलेक्सियों के विकास को नियंत्रित कर सकते हैं। ब्लैक होल शक्तिशाली ऊर्जा की धाराएं भी निकाल सकते हैं जो लाखों वर्षों तक यात्रा कर सकती हैं। फिर भी ब्लैक होल से जुड़ी कई रहस्य हैं। वैज्ञानिक नहीं जानते कि ब्लैक होल में गिरने वाले पदार्थ के साथ क्या होता है और उन्हें नहीं पता कि ब्लैक होल एक दूसरे से मिल सकते हैं या नहीं, और अगर हाँ तो क्या होगा। इवेंट हराइजन और सिंगुलैरिटी के अलावा ब्लैक होल के संबंध में और भी कई अन्य कॉन्सेप्ट्स होती हैं। श्वार्ज़शील्ड रेडियस इवेंट होराइजन की रेडियस है, जबकि हॉकिंग रेडिएशन ब्लैक होल द्वारा उत्पन्न होने वाले एक थ्योरेटिकल प्रकार के विकिरण हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स, जो मैसिव ऑब्जेक्ट्स के एक्सेलरेशन से होने वाली स्पेसटाइम की रिपल्स पर आधारित होती हैं, को 2015 में पहली बार खोजा गया था और फिर से खोज किए जाने के बाद इन्हें ब्लैक होल और ब्रह्मांड के अन्य वस्तुओं का अध्ययन करने के लिए उपयोग किया गया है। धूमकेतु आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है जिसे सगिटेरियस ए स्टार के नाम से जाना जाता है। यह हमारी सूर्य की तुलना में लगभग 4.3 मिलियन टाइम्स अधिक मास का है और सगिटेरियस संकेतमाला की दिशा में धरती से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। हमसे दूरतम ज्ञात ब्लैक होल सगिटेरियस ए स्टार को छोड़कर V616 मोनोसोरोटिस, जिसे V616 मौया अशून्य 62000 भी कहा जाता है, जो उत्तरी ध्रुव तारामंडल में स्थित मोनोसेरोस नक्षत्र में लगभग 3000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। जबकि सैजिटेरियस ए स्टार की मास लगभग सूर्य के भार के 4.31 मिलियन टाइम्स अधिक माना जाता है,
वी 616 मौकी मास सूर्य की मास के लगभग 9 टाइम्स होने के कारण इसे सुपरमासिव ब्लैक होल्स में एक स्मॉल ब्लैक होल के रूप में माना जाता है, जो धूमकेतुओं के केंद्रों में हजारों करोड़ गुण सूर्य के मास से अधिक भार का है। 3 मुख्य प्रकार के ब्लैक होल्स में से एक स्टेलर ब्लैक होल, दूसरा सुपरमासिव ब्लैक होल और तीसरा इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल्स होते हैं। स्टेलर ब्लैक होल उन भारी तारों के संक्षिप्त जीवन के अंत में जब कोलैप्स कर गिरते हैं उनसे बनते हैं और आमतौर पर सूर्य के भार से 3 से 30 गुना अधिक होते हैं। दूसरी ओर सुपरमैसिव ब्लैक होल सूर्य की तुलना में लाखों या अरबों गुना अधिक विशाल हैं और माना जाता है कि वे हमारी अपनी मिल्की वे सहित अधिकांश आकाशगंगाओं के केंद्र में पाए जाते हैं। जबकि इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल का निश्चित रूप से पता नहीं लगाया गया है, ऐसे सबूत हैं जो बताते हैं कि वे मौजूद हो सकते हैं। ब्लैक होल्स एक रोचक विषय हैं, जो वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित और चुनौती प्रदान करते हैं। उनकी रहस्यमय प्रकृति के बावजूद शोधकर्ताओं ने इन ब्रह्मांडीय रहस्यों की गुणवत्ता और व्यवहार को समझने में बड़ी कदम उठाए हैं। उनमें अभी भी कई अनुपयोगी प्रश्न हैं, जैसे ब्लैक होल के केंद्र में सिंगुलैरिटी की प्रकृति और इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल की संभावना। जारी अनुसंधान और तकनीकी प्रगति इन रहस्यमय वस्तुओं पर प्रकाश डालती रहती हैं। जैसे जैसे हम ब्लैक होल्स के बारे में और अधिक सीखते जाते हैं, हम ब्रह्मांड और हमारी उसमें जगह की एक गहरी समझ प्राप्त करते जाते हैं।